हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में काफी देखो गिरावट होती जा रही है, इसलिए इसमें रिकमेंडेशन पर दोस्तों ये वीडियो बनाया जा रहा है। और दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि हम किसी भी शेयर का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं दोस्तों, कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज पर बनाया जाए। दोस्तों एनालिसिस किस तरह से करना है, हम क्या क्या चीज देखते हैं इसमें आपको समझ में आएगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखो तो दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर एक इस चार्ट के जरिए दोस्तों ये वीडियो में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा नहीं, तो इसलिए एक समराइज आपसे समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पूरे के पूरे जैसे पूरे इंडिया का यहाँ पर कितने आउटलेट्स के इसके खुले हुए यहाँ पर आप देखोगे, 50 के ऊपर देखो ब्लू में बनाया गया, 195 देखो यहाँ पर बताया गया, 2222 अलग अलग स्टेट में यहाँ पर देखो महाराष्ट्र का 75 है, और बाकी के देखो लेस देन 50 आउटलेट्स यहाँ पर बने हुए पूरे देशों में, पूरे इंडिया में देखो खुला, खाली ग्रे कलर का यहाँ पर आउटलेट नहीं खुले, बाकी पूरे के पूरे इंडिया में यहाँ पर खुला। और किस तरह से देखो बैंकिंग आउटलेट बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखो बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब समझ जाओ कि जितना क्वार्टर जितना ये क्वार्टर में बढ़ता जाएगा, सेल बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ेगा, शेयर प्राइस में उतनी ही ये बढ़ोतरी नजर आएगी दोस्तों। तो उस तरह से इसी लेवल पे देखेंगे तो दोस्तों करंट प्राइस 48 रुपीज पर चल रहा है, 68 रुपीज का देखो हाई बना था, 44 का मतलब 52 वीक लो पर ही नजर आ रहा है लगभग, उसके दो 3-4 रुपए का फर्क है। छोटी कंपनी है, 5 to 9 3 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप मतलब इतना पैसा आप दो दोगे तो बैंक को आप खरीद सकते हो, मतलब इसकी पूरी की पूरी बैंक की कीमत ये है, उसके शेयर का एक शेयर का एक टुकड़े का कीमत है 48 है। तो इस तरह से बताया गया है। ROC ROE भी देखो अच्छा खासा कंफर्टेबल जोन में है यहाँ पर, जो 15 के बैंक का देखो ROE देखो 20% बहुत जबरदस्त है, और 10% के आसपास ROC अच्छा खासा है। और बाकी का डेट तो देखेंगे नहीं, क्योंकि इनका काम ही डेट लेकर डेट देना है, तो इस तरह से लोन देना होता है, तो इस तरह से ये। और बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखो लगभग 1.25 के आसपास है, अच्छा खासा कंफर्टेबल जोन में नजर आ रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 69% है, सब कुछ यहाँ पर इन्वेस्टर्स का भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर्स का 69% है, FII का भी यहाँ पर देखेंगे तो गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर देखो बताया गया 94.94 है, और यहाँ पर DII का भी देखेंगे तो यहाँ पर देखो अलग अलग म्यूचुअल फंड यहाँ पर लगे हुए हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पर होल्डिंग है। यहाँ पर अब देखो पब्लिक की का होल्डिंग 0.01 पर सॉरी यहाँ पर 19.43% है, गवर्नमेंट का 0.01%, तो अच्छा खासा यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा जबरदस्त बन जाता है। और क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत जबरदस्त आया था दोस्तों, यहाँ पर देखो जून 2023 में देखो 720 करोड़ था, यहाँ पर 966 करोड़ यहाँ पर बढ़ा हुआ है, और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 108 करोड़ से 137 करोड़ चला गया है दोस्तों। और यहाँ पर इनका अर्निंग पर शेयर भी वही 1.20 रुपए से 1.25 रुपए चला गया है, और ग्रॉस एनपी यानी कि ये जो नॉन परफॉर्मेंस एसेट है, जो पैसे लोन देते हैं जो नहीं चुकता कर पा रहे, 100 में से देखो 3.313% पहले था, अभी ये कम होकर देखो 2.78% हो गया है, और ग्रॉस एनपी और नेट एनपी मतलब प्रोविजन के बाद देखो 0.39% था, वो 0.26% हो गया। तो दोस्तों पूरा का पूरा फाइनेंशियल अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट आया है, लेकिन शेयर में गिरावट होती है दोस्तों। ये क्यों दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि देखो एक एक सेक्टर में जैसे ऑपरेटर का तो यही गेम होता है, पूरा का पूरा सेक्टर को एक साथ में नीचे कर देते हैं, एक साथ में ऊपर ले लेते हैं, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को पूरा का पूरा एक साथ में नीचे कर दिया गया। जैसे बंधन बैंक को भी आप देख लो दोस्तों, आप बंधन बैंक को देखोगे तो बंधन बैंक का भी देखो पूरा का पूरा नीचे ही उतरता जा रहा है। अब यहाँ पर रिजल्ट में आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट देखो कितना जबरदस्त आया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे तो देखो जून 2023 में यहाँ पर रेवेन्यू 4523 करोड़ था, देखो 1000 करोड़ के ऊपर ऊपर हुआ है, देखो यहाँ पर 5536 करोड़, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी 721 करोड़ से बढ़कर सीधा 1063 करोड़ हो गया, 1000 क्रॉस कर दिया है, और ग्रॉस एनपीपी देखो 6.76% से भी कम होकर 4.23% हुआ है, और नेट एनपी 2.18% से 1.15%, जबरदस्त रिजल्ट हुआ है, फिर भी शेयर को नीचे मार कर फेंक दिया गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखो शेयर नीचे की तरफ भी जा रहा है, अभी यहाँ पर 1 साल का हम देखेंगे तो शेयर देखो ऊपर से नीचे की तरफ ही जा रहा है, रिजल्ट भी इसका ठीक ठाक ही आया था। तो इस तरह से दोस्तों देखेंगे तो सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक को मार के नीचे कर दिया गया है। तो इस तरह से देखो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, बाकी के सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसमें अगर पेशेंस रखा जाए तो दोस्तों ये अच्छा खासा एक एक साल में पैसा डबल होने का दम रखता है दोस्तों। इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, ये मुझे ऐसा लगता है 1 साल दोस्तों, 1 साल का 3 साल में भी अगर पैसा डबल होता तो क्या हो, क्या बात है दोस्तों। अब इसमें इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं दोस्तों, चार्ट में देखेंगे तो दोस्तों अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पूरा ओपनिंग डे का था, तो पूरा बड़ा बढ़कर एकदम बंद हुआ था यहाँ पर 48 पर, वही रेट 48 का दोस्तों आज के डेट में नजर है, जो ओपनिंग डे जो शुरू हुआ था 48 को वही ओपनिंग डे का देखो रेट आपको मिल रहा है दोस्तों।
जबकि ये शेयर 68-70 तक गया हुआ है, तो अच्छा खासा डिस्काउंट पर ये अवेलेबल है दोस्तों, तो ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए दोस्तों। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है, आप अपनी सोच से कर सकते हैं। और यहाँ से आप दोस्तों इसी अगर से जो पुराना हाई भी अगर चला जाता है तो इसमें कितना आपको कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर मैंने पुराना हाई यहाँ पर पकड़ा, सॉरी यहाँ तक समझो मैंने पकड़ा इसको, ये रेट तक, यहाँ तक मैंने अगर समझो पकड़ लिया इसका हाई, यहां तक मैं लेता हूं और यहां से अगर काउंट करता हूं दोस्तों, यहां से लेके जो आज का ये रेट है, यहां से मैं काउंट करूं और ऊपर तक लूं तो दोस्तों ये कितना तक जाता है, 42%, 43% के आसपास, तो यहां पर आपको सीधा सीधा प्रॉफिट नजर आ रहा है। सेम तो दोस्तों यहां पर ऐसा लगता है ये तो बहुत जल्दी, यानी साल भर के अंदर ये तो लेवल तो पहुंच ही जाएगा ना, 40% का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न होता है दोस्तों, तो ये बहुत आसानी से भी पहुंच सकता है, ऐसा नहीं कि लेकिन 2 साल भी चला जाए, 3 साल भी, 40% ये बुरा रिटर्न नहीं है दोस्तों। बैंक में आप देखोगे, बैंक में डालकर 3% का रिटर्न मिलता है, सेविंग बैंक में FD से 7-8% मिलता है, 40% का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न होता है। इस तरह से आपकी सोच होगी तो दोस्तों शेयर मार्केट में आप पैसा कमा सकोगे दोस्तों। हमारे इस क्वालिटी कंटेंट को दोस्तों आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और किसी भी शेयर में फंसे हो तो दोस्तों किस तरह से उसमें कुछ कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से, और उसके बारे में समय रहेगा तो उसमें उसके बारे में कंप्लीट वीडियो डालकर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों किस तरह से हमें क्या करना चाहिए उसमें। थैंक यू।